बिल्कुल ही जी, इसकी हालत ख़राब हो गई है, चेक कर लें जी, क्या खंडर हो गया कसम से। ये पुल बना हुआ है जी, तो ये देखें जी, रोड वोड, ये सरिये, ये लोहा, सब कुछ ही टूट गया है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो यार देख लें जी, अभी ये मैं खड़ा हूँ जी, रठोहा हरियाम ब्रिज है जी, मंगला डैम के ऊपर जो पुल की तामीर जा रही है, अभी हर मुकम्मल तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर जी आज आपको दिखाते हैं जो पुल है, ये मुझे लगता है जी तकरीबन 3-3.5 साल हो गए, तो बस दरमियान में थोड़ा सा रास्ता वो ही है जो बच गया, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और ये पुल जो है ना, आस्ता आस्ता अगर यही ऐसे ही रहा ना तो इसने खंडर हो जाना है। तो बाकी खंडर होना शुरू भी हो गया, आज आपको दिखाते हैं यार कि इसके अंदर जो है ना, वो साइडों से रोडें जो है ना, पुल बना हुआ है, जो रोड है ना वो टूटना शुरू हो गई है, तो आपको दिखाते हैं जी। ये जी ये पुल है, और इस साइड पर आ जाए देख लें जी, मतलब रोड जो है ना, रोड ये किस तरह की हो गई है जी। और ये देखें जी, बिल्कुल जंग वंग लग गया। अगर ये पुल जो है ना, उस टाइम ही अगर ये मुकम्मल हो जाता, इसके जो भी तामीराती काम थे अगर वो मुकम्मल हो जाते, तो इसकी ये हालत नहीं होनी थी, तो इसमें बड़ी रौनकें होनी थी, यकीन करें जी। और ये देख लें जी, अभी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई 100 साल कोई 200 साल पुराना, ये नीचे देख लें जी, कोई डेरा वेरा बना हुआ है, और ये जब पानी वानी आता तो इधर ही डूब जाता है। तो बाकी ये चेक कर लें जी, बिल्कुल खंडर हुए जा रहा है जी, ये यहाँ से पूरी रोड ही ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर अभी खड़े होंगे तो नीचे गिर जाएंगे जी। ये देखें जी, नीचे से पूरा जो है ना, नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, देखें जी कैसे सुरंगें बन गई हैं जी। ये पुल है, और कभी बनना शुरू हुआ था तो लोग इतने खुश थे कि यार यकीन करें, जो 1.5-2 घंटे का सफ़र है वो अभी जी 10-15 मिनट में तय हो जाएगा, इस्लामगढ़ से मीरपुर तक का जो सफ़र है। बस यार किस्मत की बात है। तो बाकी इधर आ जाएं, इधर से भी देख लें जी, ये भी नीचे से जी बुरी हालत हो रही है। तो पीछे हमने जी एक उस जगह पे, वो हमारी बाइक खड़ी है उधर जी, हमने देखा है जी, बिल्कुल ही जो है ना, ऐसे लग रहा है कि यार बस कोई पता नहीं 200 साल पुराना पुल है, और इस पर कोई कभी आया ही नहीं। वो आपको जाके दिखाते हैं जी। ये लोग जो हैं कश्तियों पर आ जा रहे हैं इधर आगे, ये पुल जहाँ पर इसका जो है ना हदूद ख़त्म हो रही है, वहाँ पर जो है ना फिर थोड़ा पानी भी आया, तो वो लोग कश्तियों में फिर इधर उधर हो जाते हैं। बाकी ये देख लें जी, यकीन करें कसम से कितना दुख होता है जी। ये रोड है जी, और इतनी प्यारी रोड बनी थी, और आप देख लें जी, ये बिल्कुल जी खंडर होना शुरू हो गया। इस साइड पे आ जाएं तो ये देखें जी, अल्लाह ना करे जी रात को ये, वैसे रास्ता तो जा ही रहा ना, इधर को बंदा ही चला जाए जी। ये पुल बनना चाहिए जी, मुकम्मल होना चाहिए, यकीन करें। इधर खड़े होते हुए भी डर होता है कि बंदा अगर पाँव रखे भी तो। आपको दिखाते हैं जी, ये देखें जी, बिल्कुल ही जी कच्चा हो गया। और इसी तरह जी, ये सिर्फ एक नहीं है जी, ये पूरे पुल की जितना भी बन गया ना जी, ये पूरे पुल का यही हाल है। बिलाल भाई इधर होते हैं, इनसे भी पूछ। बिलाल भाई, एनजी है ना जी, सारा पुल एनजी हो गया ना। कितने दुख दिखा ले, बाकी वो पीछे भी एनजी है जी, उधर चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं जी। तो इसी तरह जी, ये पूरा मुकम्मल पुल है, और इसी तरह जो ये खड्डे वड्डे बने हुए हैं पीछे आपको दिखाएं, इसी तरह ये इधर आगे भी हैं जी, ये आपको दिखाते हैं। ओए होए 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 यार, बिल्कुल ही जी इसकी हालत ख़राब हो गई है, चेक कर लें जी, क्या खंडर हो गया कसम से। ये पुल बना हुआ है जी, तो ये देखें जी, रोड वोड, ये सरिये, ये लोहा, सब कुछ ही टूट गया है जी। ये रठोहा हरियाम पुल है जो मंगला डैम के ऊपर बन रहा था, इस्लामगढ़ से मीरपुर तक रोड जा रही थी, तो इसकी हालत चेक कर लें जी, सब कुछ ही ख़त्म हो गया कसम से। देखें जी, लोहे टूट गए, ज़मीन जो है ना इसके अंदर चली गई है, क्योंकि ये तो बात हकीकत है जी। जब वो कहते हैं ना, अगर एक मकान में बंदा रहता है 100 साल भी, आप रह लो उसको कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप उसको अधूरा छोड़ देते हैं तो वो फिर ऐसे होता है कि, तो वो फिर ऐसे होता है जी, अगर कोई 10 साल भी मकानों में ना रहे ना तो वो खंडर हो जाते हैं जी। वही जो है ना सिस्टम इस पुल के साथ हो रहा है। बाकी जी इस साइड पे आ जाएं तो यकीन करें जी, इस पे चलते हुए भी खौफ आ रहा है। तो बाकी ये देख लें जी, ये सारा मंगला डैम का एरिया है जी, ये घर वर, ये सब कुछ, ये जो है ना मंगला डैम में डूब जाते हैं जब पानी वानी आ जाता है, और पानी इधर तक आया होता है जी। वो आगे जो घर, वो आगे आपको खंभे वंभे नज़र आ रहे हैं, उधर तक जो है ना मंगला डैम का पानी होता है। तो बाकी ये जी पुल है जो अभी खंडर होना शुरू हो गया। बाकी जी अल्लाह करे ये पुल बन जाए यार, हालत इसकी देख लें कसम से, ये रोड है जी। और बाकी ये थी आज की हमारी वीडियो यार, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।